रुकता गाइस गाइस नमस्ते, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं रेणुकेश्वर महादेव मंदिर जो रेणुकूट में है, और हम आपको रेडी होने के बाद मिलते हैं। तब तक ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, अभी रेडी नहीं हुए हैं तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। फाइनली हम रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं हिमांशु को कॉल करने। तो फाइनली गाइस हिमांशु आ गया है, और ये आया नहीं है, इसको हम लेने आए थे, इसको चार बार फोन किए नहीं उठा रहा था, आखिर में हम आए, फिर हम आए और हिमांशु है, अब निकलते हैं, फिर हम आपको रोड में मिलते हैं। गाइस एक और फ्रेंड मिल गया हमारे, मिस्टर यार मजनू, तो हम लोग अब निकलते हैं, हम लोग मिलते हैं आपको रोड पे। अब हम लोग भी बैठ रहे हैं। अरे रुक रुक कुत्ता। तो गाइस हम लोग अब निकल रहे हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। तो फाइनली गाइस हम लोग अब पहुंच चुके हैं, और हम लोग गाड़ी खड़ा कर दिए हैं उधर, अब हम लोग यहाँ से पैदल जाना है, हम आपको दिखा रहे हैं आगे। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग को उधर जाना है, और हम आपको अंदर दिखाते हैं पहुंच करके। यही तो है प्रीतिकाश। तो गाइस ये बड़ा वाला अभी गेट बंद है, और हम लोग छोटे वाले गेट से एंट्री करेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अंदर, और आपको अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं। गाइस देख सकते हैं ये गाइस, यहाँ से हम लोग चढ़ते, ये सीढ़ी है, और देख सकते हैं यहाँ ये कुछ घोड़े का स्टैचू है, देख लीजिए बट जैसा भी है। और यहाँ से ऊपर हम लोग को जाना है। तो गाइस देख लीजिए यहाँ का खूबसूरती बहुत अच्छा है, और अभी हम आपको ऊपर दिखा रहे हैं, यहाँ पानी का बंदूक चल रहा है। गाइस मौसम भी बहुत अच्छा है, शिव जी का मंदिर है, गाइस देख सकते हैं। गाइस अभी मैं दर्शन कर लूँ, इसके बाद हम आपको पूरा मंदिर घुमाएंगे। तो गाइस हम आपको दिखाते हैं ये नंदी जी का, गाइस अंदर चलिए। और अंदर अंदर नहीं जा सकते हैं, गाइस ये देख लीजिए ये पुराने जमाने का ड्रम। गाइस हम आपको कुछ और भी दिखाते हैं, वो स्टैचू है उधर दिखा रहे हैं हम आपको, उनका नाम नहीं पता मुझे बट दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं गाइस उनका क्या नाम है, विक्रम बिरला जी के शायद फादर हैं, जीडी बिरला जी, देख सकते हैं। और ये अभी इसको क्या कहते हैं, वाटरफॉल। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये शायद रात में स्टार्ट होगा। हम आपको मंदिर का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं 1972 में बना था, देख सकते हैं कितना ही सुंदर है गाइस। गाइस हम आपको पूरा मंदिर घुमा दिए हैं, और अभी बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखाएंगे, अभी जो कि थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो यहाँ लाइटिंग वगैरह वो भी दिखाएंगे, अभी वेट करें, तब तक मंदिर घूम रहे हैं। मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना ही सुंदर है गाइस। और इधर इधर जो है कॉलोनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा वो सब कॉलोनी है, वो सब सब एक जैसा ही घर है वो भी, और उसके उधर वो भी, और ये तो बड़ा है, और उधर पूरा कॉलोनी है। तो गाइस देखिए बिरला का पूरा वो उधर कॉलोनी है, बिरला ही का कॉलोनी है, तो काफ़ी सुंदर है। और इधर बड़े बड़े टंकियाँ लगा, पता नहीं किस चीज़ का, मुझे नहीं पता गाइस। और अभी जब अंधेरा होगा लाइटिंग और ये जो पानी का फुहारा और ही रौनक बढ़ जाता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है तब। गाइस मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं फिर भी फोटो और वीडियो में देखा, बहुत ही सुंदर है गाइस, अभी ऐसे भी देख सकते हैं।
तो जब लाइटिंग वगैरह हो जाएगा तो फिर देखिएगा। तो आपको थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट दिखाएगा। गाइस लोग का सपोर्ट अगर प्यार रहेगा तो मैं पूरे इंडिया घूमूंगा और आप लोग को ज़रूर घुमाऊँगा। तो गाइस हम तब तक अंधेरा होने का वेट करते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, मिलते हैं हम आपको थोड़े अंधेरे के बाद। गाइस आपको एक और चीज़ दिखा रहे हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये एक दूरबीन की तरह दिख रहा है। ये CCTV है गाइस, ये CCTV है, देखने से तो लग नहीं रहा है। बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे रोज आते हैं और बता रहे हैं, आज देख सकते हैं क्या ही व्यू दिख रहा है यहाँ से। हे गाइस, तो हम जो आपको कहे थे कि आपको लाइटिंग होने पर आपको दिखाएंगे, बट यहाँ तो थोड़ा ही सा हुआ है, फाउंटेन वगैरह कुछ नहीं, शायद फाउंटेन वगैरह बिगड़ गया है तो हम आपको फाउंटेन नहीं दिखा सकते हैं, बट लाइटिंग हाँ दिखा सकते हैं आपको चारों तरफ घुमा करके। तो आप अभी आपको हम दिखा रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर और वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।